Hi guys, good morning and welcome back to our channel Life with Honey Goodies. सुबह उतनी बहुत हैपनिंग हो नहीं रही है बिकॉज आई एम लिटिल फ्रस्ट्रेटेड. हमारे घर पे एक ऑर्डर डिलीवर होना था. आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड. प्रीपेड था सब कुछ एंड 6 तारीख की डिलीवरी मार्क है. वो भी मैंने जब ट्रैकिंग देखी तब उससे पता चला. बट ऑर्डर कुछ किसी ने घर पे रिसीव नहीं करा, कहीं नहीं आया. अभी मेरा सुबह सुबह डीडीडी से झगड़ा हो रखा है. लेट्स सी, यहाँ पे मैंने पता करा हुआ है कि यहाँ पे जो कोरियर शिपमेंट है इनका, वहाँ पे अगर है किसको डिलीवर करा, कहीं कुछ मेंशन नहीं करा हुआ है. इस तरह की डिलीवरी सर्विसेज से सच में दिमाग ख़राब होता है. एंड दैट ऑल्सो अभी 2 दिन बाद ईद है, मुझे ज़रूरत थी उस चीज़ की. लेट्स सी, कुछ ना कुछ निकालते हैं जुगाड़ पानी. तो अभी बस हम नमाजें पढ़ रहे थे जब फ़ोन आया कि ये चीज़ डिलीवर हो, डिलीवरी के लिए फ़ोन आया था. दैट मीन्स कि अगर 4 बार जब तक लोगों को अच्छे से सुनाओ ना तो कुछ काम नहीं होता. एंड बिना डिलीवर करे हुए डिलीवरी मार्क कर देना 2 दिन पहले, ये कोई सही चीज़ नहीं है. तो देखते हैं अभी हमारा पार्सल. तो ये हमने मंगाया था जस्ट लिटिल थिंग से. लेट्स सी, गाइस, ये गौहर भाई के शौक हैं. ये मैंने मंगाया है रिसेंटली. दिस इज रसासी हवस आइस, उसका क्लोन है. क्लोन है ना ये? ये वाला क्लोन है. ये मैंने लास्ट टाइम उसको बर्थडे पे दिया था. दिस इज मिल्की वे फ्रॉम नीश. और ये मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है मेरी दत्ता की जगत तम्बाकू. इसका स्मेल बिल्कुल वैसा ही है. तो अभी ऑफिस तो चल रहा है, कॉल है कुछ टाइम बाद. एंड तब तक हम बस 10 मिनट में जल्दी से नहा लेते हैं, देखते हैं बाकी की नोनी गुड़ीज क्या कर रही हैं. हे गाइस, गुड इवनिंग. आज नवरात्रि का है फर्स्ट डे, तो मेरा फास्ट तो नहीं है बट हमारे घर में फास्ट है 2 लोगों का. अभी मैं दिखाती हूँ उनको. और बीमार और एक लोग हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बीमार है, वो है नंदू. बट शी इज़ नाउ मेक अ वेरी टेस्टी सैंडविच. हाँ, एंड इट्स येलो डे टुडे. येलो येलो काकोला मैचिंग मैचिंग. और जिन 2 लोगों का फास्ट है उसमें से एक है काकुल, यंगेस्ट नानी कुड़ी. और हाँ, और दूसरी नानी कुड़ी, इनका भी फास्ट है. ये ऑफिस गई थी इसलिए बिंदी बिंदी लगा के तैयार है. और ये बीमार नंदू ने बनाए हैं अच्छे से सैंडविच और चाय. और ये देखिए, इधर तू बीमार, तू खांस रही है. और कैसे दिखाऊं मैं कि तू बीमार? चलना फिर शुरू हो रहा है. सॉरी, इट माइट साउंड इनसेंसिटिव बट आई एम नॉट. खाओ खाओ, फिर दवाई खा लेना ना. तो जैसा लग रहा है ना कि जैसे जैसे मेरा फीवर चढ़ना शुरू होता है मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है. और अभी 2 घंटे से बिल्कुल नहीं हो रहा यार. आपने सुबह से कुछ और खाया? रूबी के ना कुछ स्पेशल कमेंट्स है कि नंदू बीमार है कि नहीं. रूबी मैम, क्या कहना चाहते तुम? नंदू बीमार है बहुत. तो कल रात को तुम हंस क्यों रही थी उस पे जब वो पट्टी कर रही थी? तो रात को बहुत ज्यादा थी ना यार. बता दो ऑडियंस को कि पट्टी वट्टी करनी पड़ी थी. और क्या, ठंडे पानी. नंदू बहुत बीमार थी, उसको पट्टी वट्टी करनी पड़ी थी रात को. सर के ऊपर ये लोग कल रूबी और नंदू की थोड़ी सी ऐसी स्वीट फाइट हो गई थी. वही दिखा हमको, माँ आग बंद कर. आंखों पे पट्टी थी, तभी भी हमको कॉल कर रही है. लास्ट की कॉल ग्रुप कॉल हुई थी.
तो गाइस हम लोग अपनी चाय और चैट कंटिन्यू करते हैं, चिट चैट, और हम लोग आपसे मिलेंगे बाद में। प्रे फॉर माय स्पीडी रिकवरी। अच्छा, प्रे फॉर हर स्पीडी रिकवरी गाइस। नजर लग गई है यार, बीमार है। She's बीमार। आप लोग कमेंट में गेट वेल सून नंदू लिख देना प्लीज गाइज, मेरे को नजर लग गई है प्लीज। इतनी सुंदर है गाइज, नंदू ने इतनी प्यारी रील डाली है, थोड़ी और नजर लगाना नंदू को उधर जाके। गाइज नंदू दीदी को नजर मत लगाया करो प्लीज, इतनी सुंदर है नंदू क्या कर सकते। सुनना की बात नहीं है, लगता है इनके फ्यूचर आदित्य ने इनको नजर लगाई है। अगर मेरे फ्यूचर आदित्य नजर लगा तो सामने आके नजर लगाओ यार, कि मैं फ्लॉन्ट भी कर सकूं कि इसने लगाई है नजर। तुमने इंस्टाग्राम पे मांगा आदित्य, इंस्टाग्राम पे तुम्हें मिल गया आदित्य और लग गई नजर। अब आपका फ्यूचर आदित्य भी तो थोड़ा डिसगाइज लुक में है। वो भी कभी, वो भी अभी किसी का दिल तोड़ रहा होगा गाइज। अगर कोई फ्यूचर आदित्य है तो वो गेट वेल सून नंदू लिख सकता है। ऐसे लिखना गेट वेल सून नंदू फ्रॉम फ्यूचर आदित्य। हाँ ऐसे लिखना। हम किसी रिलेशनशिप में कुछ नहीं तो छोड़ दो उसको, तुम्हारी शादी मेरे से होनी है। वरना आप नंदू नजर लगाएगी फ्यूचर आदित्य पे। अब जो लड़का बीमार है वही फ्यूचर आदित्य। तो हर भाई आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? खाना बन रहा है, फ्रूट चाट बन गई और तरबूज कट गया और अब रात के खाने के लिए भिंडी काट रहे हैं। यस, रात में हम लोग वैसे कोई खाना खा नहीं पाता है अफ्तार के बाद, तो सहरी में ही खाएंगे। बट अभी हमें बनानी है मुंगौड़ी और चने भी ऑलरेडी बन गए हैं। अभी बस चाय बना के उठी हूँ क्योंकि घर में आए हैं ये जानवर। ये बदतमीज, मैं जब भी कुछ रिकॉर्ड करती हूँ आ जाता है मेरा फोन छीनने के लिए। ये चल रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी फेस्टिवल आए घर पे, एक चीज मैंडेटरी हो क्या, बॉक्स खुलना। चलो सामान रखवाते हैं। अभी अभी बाकी के मेरे सारे दोस्त तो चले गए हैं क्योंकि अब कल से छुट्टी पर हैं। कल ही छुट्टी है, एक दिन बचा हुआ खाली, लास्ट रोजा। अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं, अच्छा, तो मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है, एक बार आप मेरे लिए ठंड में हाईनेक लाई थी वाइट कलर का, वो इस लड़की को मैंने दिया था, इसने अल्लाह जाने कहाँ रखा है। और वो हाईनेक इतना मुझे पसंद था, मैंने दो बार शायद पहना था, और वो ये कहीं रख के भूल गई। उसके बाद वो मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसा घर का कोई कोना नहीं होगा जहाँ मैंने उसको ना देखा हो। बेसिकली ही वॉन्ट्स कि जब रूबी मैम नेक्स्ट टाइम सरोजनी जाए तो इनके लिए वो वाला है नेक्स्ट चाहिए। ठीक, वो मिल नहीं रहा। रूबी मैम से हम इस बारे में बात करेंगे, बट अभी फिलहाल सारे दोस्त चले गए हैं और कल एक दिन बचा है, आखिरी है रमजान का, इसलिए कल की छुट्टी ली है। बहुत सारी सफाई करनी है, सब खाना का देखना है, तो बस चलो यार जब तक ना बाकी के सारे बैग्स रखवा देते हैं। और जिसमें इधर रखा जाएगा प्लेस्टेशन 5। अच्छा अच्छा, और इधर लग जाएगी साइड में एसी। अच्छा, और यहाँ पड़ा रहेगा आराम से काउच टाइप का बैठने हाँ। का। और तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, मैं काम से आऊंगा और फिर सीधा गेम प्लेस्टेशन 5। तुमको फतेहपुर में नौकरी कौन दे रहा है बाबू? 4K में मैं गेम खेलूंगा। बोले मुझे ये बता, तुमको फतेहपुर में कौन सी कंपनी नौकरी दे रही है? ऑनलाइन में वर्क फ्रॉम होम करूंगा। अच्छा, बड़े बड़े सपने लोग देखते हैं बहुत ज्यादा। नहीं ये तुम बना के दोगे ना हमको, मैं तो खेलूंगा खाली उस पे। बहुत देर तो क्या, I don't know what to say। गालियां इसके बाद पड़ेंगी। नहीं नहीं, ये बता दो ना, देखो नीचे कैबिनेट लगा, साइड में उसकी जगह रहेगी। हाँ। प्लेस्टेशन 5 मेरा बढ़िया से रहेगा, वायरलेस कंट्रोलर आते हैं उसमें, स्पीकर यहाँ यहाँ पे थोड़े से रहेंगे, सराउंड साउंड ज्यादा नहीं। बहुत तेजी से निकल लीजिए आप, यही बहुत तेजी से निकल लिया। फिर ऐसे लेट के जो मैं कंट्रोलर पे फोर्ज़ा वो सब खेलूंगा, मजे ही मजे। अभी
तो आज का दिन हो गया है ख़त्म। अब पर्दे हमने लगा लिए हैं और घर की सफाई भी थोड़ी बहुत हो गई है कल, बाकी तो सोनी बच जाएंगी। और फिर कल आखिरी रोज़ा है और रात को निकले शाम को निकलेगा चांद ईद का। तो आज के लिए बस यही सब था एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन तो बाय, गुड नाइट, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल लाइफ विद नोनी कुड़ीज़, गुड नाइट।